कृपया इतने डरावने मंच पर पधारे। हम एक बार खड़े होंगे सभी झंडा झंडे के सम्मान के लिए, देश के सम्मान। जी मैडम आप ही आए सर, हरी जी सर आओ सर। हाँ खींचेड़ हो रही है आप। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे विद्यालय में जो आगंतुक महोदय आए हैं उनका विद्यालय परिवार तहे दिल से स्वागत करता है एवं इसी प्रकार विद्यालय में पधारकर विद्यालय का एवं छात्रों का उत्साहवर्धन करते रहे। हम विद्यालय परिवार सभी इनका तहे दिल से आभारी है। मनमोहन जी कार्यक्रम शुरू करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा देश उसी दिन से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करना। हमको वोट का अधिकार दिया गया और हमने अपने नेताओं को चुना और आज वो शासन करते चलते आ रहे 1950 से। तो इसी खुशी में राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे हैं और बहुत सारे आयोजन हम करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, दोस्त हो सकता है, सब में उल्लास करता है और सब अपनी तरफ से कुछ न कुछ आपको देने की कोशिश करते हैं। विद्यालय को या अन्य कहीं भी को जाकर के और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और अपना योगदान विशेष रूप से देते हैं। एक सूचना पहले भी मैंने बताई थी आपको, अभी बता रहा हूँ। अभी जो स्वेटर वितरित की गई थी आप लोगों को स्वेटर दी थी कुछ समय पहले, वो अंजू मैडम और जेलर जीवन लक्ष्य फाउंडेशन के द्वारा दी गई थी, इसलिए बहुत बहुत बधाई इसके पात्र हैं मुझे मैडम उनका संगठन, इसलिए जोरदार तालियां बधाई देते। बहुत अच्छा इन्होंने किया
और निरंतर निरंतर अपने विद्यालय से जुड़ी है और कुछ
I'm not afraid to die.
मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड गेस्ट टीचर्स गार्जियंस एंड डियर फ्रेंड्स माय नेम इज स्नेहा शर्मा आई एम स्टडिंग इन क्लास 7th एज वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव गैदर्ड हियर ऑन द वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ आवर नेशन व्हिच इज कॉल्ड रिपब्लिक डे आई वांट टू डिलीवर अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू First of all, I would like to thank my teacher because of whom I got a golden opportunity to say something about my beloved country on this great occasion of Republic Day on this platform of my school. Today is the best day when we should pledge to preserve the real meaning, status, prestige of our country and most importantly, the culture of humanity. The great heroes of our country have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making a constitution in a democracy. There is a system of the people, for the people and by the people. Therefore, it becomes our fundamental duty to protect and respect the system and constitution of our country. Addressing you today on this auspicious occasion, I end my speech by paying my respect and tributes to those great revolutionaries. Many thanks to all of you. Bharat Maa Ki Jai, Jai Hind. जिससे समाज आगे दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। Oh,
सबसे आगे होंगे।